हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के नीट JEE फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके 18th सेशन में आज हम देखने वाले हैं शेप्स एंड एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पिछले सेशंस में हमने देखा फ्रेंड्स कि ऐसे एक एटॉमिक मॉडल की जरूरत थी कि जो इलेक्ट्रॉन के वेव एंड पार्टिकल दोनों बिहेवियर को कंसिडर करते हुए अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज करे। तो ऐसा मॉडल हमें मिला क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, जिसने इलेक्ट्रॉन के वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को कंसिडर करते हुए अपनी थियोरी को प्रपोज किया। और इसे प्रपोज करने वाले थे ग्रेट साइंटिस्ट श्रोडिंजर, और उन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक वेव के लिए एक इक्वेशन दिया था जिसका नाम था श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। एंड एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस व्हाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी हैव गॉट थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स, और जिन्हें नाम दिया था क्वांटम नंबर्स। एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, और तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा भी एक क्वांटम नंबर था स्पिन क्वांटम नंबर। बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इट स्पीक्स अबाउट द स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो खुद के एक्सिस के अराउंड भी वो रिवॉल्व करता है व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो चार क्वांटम नंबर थे, ये उस ऑर्बिटल के, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस ऑर्बिटल के साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन के बारे में बताते थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज के बारे में बताता है, एजीमुथल जो है वो उसके शेप के बारे में बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उस ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन, वो स्पेस में किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, इसके बारे में आइडिया देता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स के शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमिथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले आता है एस ऑर्बिटल, जो होता है स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल कैसा होता है फ्रेंड्स? स्फेरिकल इन शेप होता है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिमेट्रिक होती है, इसमें न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे वो मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये 3D पिक्चर भी दिख रहा होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो बलून जो है वो घूम रहा है। इस तरह से ये सिमेट्रिक एक स्फेरिकल बॉडी है। इस तरह से स्फीयर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, और एस ऑर्बिटल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1s के लिए, 1s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1, वेरज एजिमिथल क्वांटम नंबर होता है 0। यानी उसका शेप जो है वो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, स्फीयर जो है वो सिमेट्रिक है, इसलिए ओरिएंटेशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं। यानी एल और एमएल के जो वैल्यूज है ये एस ऑर्बिटल के लिए 0 होते हैं। तो इस तरह से एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है। और फ्रेंड्स, पी ऑर्बिटल आगे आते हैं, पी एस के बाद आता है पी, एस पी डी एफ। हम एस पी डी के शेप्स देखेंगे, एफ का और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट नीडेड फॉर यू गाइस। तो पी ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल शुरू होता है सेकेंड शेल से, सेकेंड शेल से पी ऑर्बिटल शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल 2p, 2p के लिए n की वैल्यू होती है 2 और l की वैल्यू होती है 1। तो ml की वैल्यू होगी -1, 0 से +1 तक। तो ml के तीन जो वैल्यूज है, यानी इसका ओरिएंटेशन तीन एक्सिस में, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ये दर्शाते हैं। तो इस तरह से इसका डम्बेल शेप जो है ये तीन एक्सिस एक्स वाई जेड के अलोंग ओरिएंट हुआ दिखता है। तो फॉर एग्जाम्पल इधर आगे आप अगर देखो, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, और ये जो है ये तीनों का कलेक्टिवली, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये पी वाई और पी जेड, ये कलेक्टिवली कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड्स। आई होप इट्स क्लियर, यू गाइस कैन इमेजिन। मैं लेजर पॉइंटर से दिखाऊंगा आपको। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये पी वाई का डम्बेल जो है ये किधर ओरिएंट किधर हुआ है, अलोंग वाई एक्सिस, ये किधर हुआ है, अलोंग जेड एक्सिस, और तीनों को इकट्ठा करेंगे तो ये डम्बेल्स कुछ इस तरह से खुद को एक दूसरे में 90 डिग्रीज पे पाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं डी ऑर्बिटल की तरफ। फ्रेंड्स, डी ऑर्बिटल जो होता है उसके लिए एजिमिथल क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है 2, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एजिमिथल क्वांटम नंबर के वैल्यूज कुछ इस तरह से है।
जीरो वन एंड टू। तो एजिमिथल क्वांटम नंबर अगर टू है तो इसके एमएल के वैल्यूज क्या होंगे, -2 -1 0 +1 एंड +2। इस तरह से फाइव वैल्यूज जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए मिलेंगे, यानी डी ऑर्बिटल विल हैव फाइव ऑर्बिटल्स इन द स्पेस। ये फाइव डायरेक्शंस में ओरिएंट हुए, सो पांच ऑर्बिटल्स हमें मिलने चाहिए इन केस ऑफ डी सबशेल। तो फ्रेंड्स डी के जो फाइव ऑर्बिटल्स है कुछ इस तरह से रहते हैं, जो ये एक लीफी स्ट्रक्चर है। तो ये जो तीन डी एक्स वाई डी जेड एक्स डी वाई जेड जो ऑर्बिटल्स है फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो इसके जो पेटल्स है ये इन बिटवीन वाई जेड एक्सिस है, अलोंग किसी एक्सिस नहीं है, ये दो प्लेन के बीच में है। इनके जो चार लोब्स है, इनके ये जो चार लोब्स है, अभी ये इसको देखोगे तो ये एक्स जेड प्लेन में है, किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है। ये तीनों के बारे में ये ऐसा है। और जो ये फोर्थ वन है, इसके जो चार लोब्स है ये अलोंग एक्सिस है एक्स एंड वाई, इसे कहते हैं हम लोग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो फिफ्थ है इसका थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, ये डोनट शेप है, इसमें बीच में ऐसा एक स्फीयर आ जाता है, इसके बीच में एक स्फीयर आ जाता है। फिर भी इन पांचों की एनर्जी जो है वो मैथमेटिकली सेम ही रहती है, हालांकि थोड़ा सा फिफ्थ स्ट्रक्चर शेप में डिफरेंट है, डोनट शेप है, फिर भी एनर्जी जो है वो सबकी सेम ही रहती है। इसका प्लेनर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड्स। अगर डी वाई जेड देखोगे तो ये इस तरह से ये वाई और जेड प्लेन में दिखेगा आपको, ये हॉरिजॉन्टल जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाई, वर्टिकल लाइन जेड, इस तरह से वाई जेड प्लेन में इसके चारों पेटल्स, ये जो लीफी स्ट्रक्चर है इसके पेटल्स दिखेंगे। इसका 3D एनिमेशन देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज ये जो दिखा रहा है, ये फर्स्ट वन जो है वो एस ऑर्बिटल है, नीचे ये जो दो डम्बेल है ये पी ऑर्बिटल है, और ये नीचे वाले पांच जो है वो डी ऑर्बिटल्स है, और आगे एफ जी एस ऑर्बिटल्स है। यहाँ तक देख लेंगे तो भी काफी है, इट इज मोर देन इनफ ये डी ऑर्बिटल। तो फ्रेंड्स ये 3D से आपको ज्यादा विजुअलाइजेशन क्लियर होगा हुआ होगा कि डी ऑर्बिटल्स कैसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जब ये ऑर्बिटल यानी क्या होते हैं, दीज आर द स्पेसेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स जब ये ऑर्बिटल्स हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा रीजन आ जाता है कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। फॉर एग्जांपल 2s, 2s ऑर्बिटल जो रहता है ये समझो न्यूक्लियस है, ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ स्पेस में ये न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड नियर द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना, ऐसे ऐसे डॉट डॉट्स की संभावना जो है कि काफी रहती है। और बीच में ही एक नोड आ जाता है, बीच में ही नोड यानी क्या रहता है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। और ये इस नोड के बाद फिर से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और बाद में एक मैक्सिमा आने के बाद और कम हो जाती है। तो 2s ऑर्बिटल के लिए ऐसा एक नोड मिलता है, और 3s ऑर्बिटल के लिए ऐसे दो नोड मिलते हैं। इस कॉन्टर डायग्राम से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इधर जो ब्लैकिश लाइन है ये 2s का एक नोड है, यानी इन दिस रीजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड पर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। और जिधर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। और 3s में कितने नोड है देखो, वन और टू। तो फ्रेंड्स इस तरह से नोड्स कितने होंगे ये जानने के लिए एक फॉर्मूला है। इस तरह से हम वाइल्ड तो याद नहीं रख सकते, लेकिन उसके लिए एक मैथमेटिशियन ने हमें फॉर्मूला दिया है नोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नोड है तो फ्रेंड्स दो बातें हैं, एक तो वो रेडियल नोड रहेगा या एंगुलर नोड रहेगा। पी ऑर्बिटल जब आप देखेंगे तो एंगुलर नोड आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फॉर द टाइमिंग आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। एंगुलर नोड यानी ऐसे जो प्लेन है उसमें प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, और रेडियल नोड कैसा होता है, ये स्फेरिकल शेप्ड रहता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस का अराउंड स्फेरिकल रीजन जो रहता है जिसमें प्रोबेबिलिटी जीरो रहती है।
तो फ्रेंड्स एंगुलर नोड मिलता है हमें उसके एजिमिथल क्वांटम नंबर से, जितना उसका एजिमिथल क्वांटम नंबर होता है उतने उधर एंगुलर नोड होते हैं। और फ्रेंड्स रेडियल नोड जो होते हैं एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एल माइनस वन, इतने रेडियल नोड होते हैं। यानी टोटल नोड कितने रहते हैं, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड यानी एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल यानी दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे उसमें, एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल 4s ऑर्बिटल अगर है, 4s ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो 4 माइनस 1 3 रहेंगे। इसके लिए एजिमिथल क्वांटम नंबर कितना है, s ऑर्बिटल के लिए एजिमिथल क्वांटम नंबर होता है 0। एजिमिथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो फ्रेंड्स 0 एजिमिथल क्वांटम नंबर अगर है तो उसमें एंगुलर नोड कुछ नहीं पाएंगे, जो भी है वो रेडियल नोड्स ही मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एंगुलर नोड कैसा रहता है उसे हम देखेंगे अगले डायग्राम से, वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कुछ डेफिनेशन है, नोड इज द पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वेयर एज रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉल्ड एज लो। तो फ्रेंड्स पी ऑर्बिटल के लिए जब आप पी ऑर्बिटल देखोगे उसमें फॉर एग्जाम्पल 2p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू है 2, तो इसके टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे, 1 आएंगे। और एक ही जो नोड है इसका एजिमिथल क्वांटम नंबर कितना है, 1 है, यानी इसमें रेडियल नोड जो है वो 0 रहेगा, जो भी रहेगा वो एंगुलर नोड है। और एंगुलर नोड क्या होता है फ्रेंड्स, मान लो ये pz ऑर्बिटल है, इधर देखिए, तो ये जो ऑर्बिटल को कट करने वाला प्लेन है xy प्लेन से वो क्या होगा, कट होगा। इसको मैं हॉरिजॉन्टल दिखा देता हूँ, या फिर ये एक्स एक्स पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल समझ लो। तो इसको अगर एक पेपर से हमें कट करना है तो ये इस डायरेक्शन में कट होगा, यानी वाई जेड प्लेन में कट होगा। और जिस डायरेक्शन में ये कट हो रहा है उस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो उसे कहते हैं उस फॉर जेड ऑर्बिटल दैट कटिंग प्लेन इज एक्स वाई। तो इस तरह से ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जीरो। 3pz ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड पॉसिबल नहीं है, यानी वो स्फेरिकल शेप स्फेरिकल स्पेस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होती है वो 2pz में नहीं होती है। वेयर एज 3pz को अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स आएंगे 2, क्योंकि इसमें n की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस 1 आएंगे 2, और l की वैल्यू है 1, तो एक आएगा इसमें एंगुलर नोड और एक आएगा इसमें रेडियल नोड। तो आप इधर देख रहे होंगे ये जो स्फेरिकल रीजन है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो है। तो ये हो गया एक रेडियल नोड, और ये जो प्लेन है पीजेड के लिए जो ये एक्स वाई प्लेन है वो होती है नोडल प्लेन। इसे और अच्छे से आप इसमें से देख पाओगे, ये जो एक्स वाई प्लेन है पीजेड के लिए ये जो एक्स वाई प्लेन होती है ये नोडल प्लेन है। फॉर वाई पी वाई ये एक्स जेड प्लेन जो है ये नोडल प्लेन है। फॉर पी एक्स दिस वाई जेड इज द नोडल प्लेन। इस तरह से फ्रेंड्स डी ऑर्बिटल के लिए अगर आप देखोगे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, 2 है, तो इसके 2 प्लेन्स होंगे। इस डोनट वाले शेप के लिए देखो कितना बढ़िया सा नोड रहता है, ये वाले 2 ऊपर नीचे, इस तरह से 2 एंगुलर नोड होते हैं। और बाकी के डी एक्स वाई डी वाई जेड के लिए आप देख रहे होंगे, डी एक्स वाई के लिए ये किस तरह से वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में, ये मतलब जिस प्लेन में आप उसको कट कर सकते हो तलवार लेकर अगर आपको इसको न्यूक्लियस से कट करना है, न्यूक्लियस के थ्रू कट करना है, तो जिधर आप कट करोगे वो 2 प्लेन जो होते हैं वो नोडल प्लेन होते हैं। तो डी ऑर्बिटल के लिए 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर नोड्स। तो इसको जस्ट समराइज करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ नोड 2 होते हैं। रेडियल नोड इट इज द स्फेरिकल सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नोडल रीजन। एंड एंगुलर नोड वो होता है, इट इज द प्लेन दैट पासिस थ्रू द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नोडल प्लेन। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी कॉन्सेप्ट और गहराई से क्लियर होंगी, विच ऑर्बिटल हैज द मोस्ट रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, रेडियल नोड्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन। तो फ्रेंड्स 4f के लिए एंगुलर नोड, एंगुलर
और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है एफ के लिए, एस पी डी एफ, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एल फॉर डिफरेंट सब शेल्स। तो 4F के लिए रेडियल नोड क्या आएगा, 4 -3 -1 यानी 0, इसके लिए रेडियल नोड आएंगे 0। डी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 2 है, तो 3 -2 -1, इधर भी 0 आने वाले हैं। अभी 2S के लिए देखो, 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर इसके लिए है 0 -1, यानी एक ही रेडियल नोड जो है वो मैक्सिमम होगा, जो कि होगा 2s ऑर्बिटल के लिए। तो अपना आंसर आएगा सी। आई होप नोड्स, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स आर वेरी क्लियर टू यू गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अगर आप फ्रेंड्स हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखोगे, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे इसके ऑर्बिटल्स के एनर्जी और बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के एनर्जीज में काफी डिफरेंस आता है। वो कैसे आता है, देखो फ्रेंड्स, जब आपके न्यूक्लियस के अराउंड मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, तो उधर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में का रिपल्जन भी एक्ट होगा, और जब ये शेल बढ़ते जाएंगे, शेल्स बढ़ते जाएंगे, तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन आने वाला है, उसके ऊपर ये शील्डिंग इफेक्ट लाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस शील्डिंग इफेक्ट एंड म्यूचुअल रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के एनर्जीज है, ये हाइड्रोजन के लिए और मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के लिए जो शेल है, उस शेल में सारे सब शेल के एनर्जीज कैसे होते हैं, सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1s में एक जो शेल है उसका तो सेम ही रहने वाला है। 2s में, अभी 2s में अगर आप देखोगे तो 2s में, जस्ट सेकंड फ्रेंड्स, 2s में टू सब शेल्स है, 2s और सेकेंड शेल में दो सब शेल्स है, 2s एंड 2p। तो ये 2p के तीन ऑर्बिटल्स और 2s का एक ऑर्बिटल, इन तीनों की भी एनर्जी कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। थर्ड शेल में तीन सब शेल्स है, तीनों सब शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स है सबकी एनर्जी सेम होगी, सो एंड एंड सो फोर्थ। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला एटम रहेगा, तो इसमें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, इस ऑर्डर में इसकी एनर्जीज इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n प्लस l। यानी हाइड्रोजन के लिए उसकी एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है, वेयर इन केस ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, इन केस ऑफ द एटम्स विथ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, दैट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिसका एन प्लस एल वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। और फ्रेंड्स इन केस ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम रहेगी, तो जिसकी एन की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल 5s, 5s के लिए एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, 5, एंड 4p, 4p के लिए भी क्या होगी, p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर है 1, तो इन दोनों के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 5 ही है, लेकिन जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो 4p इज द ऑर्बिटल हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन 5s, तो 4p की एनर्जी जो होगी वो 5s से कम होगी। आई होप दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज n प्लस एल रूल। तो फ्रेंड्स इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को याद रखने के लिए ये एक डायग्राम है, जिसे हम आगे ओप्पो प्रिंसिपल में भी देखने वाले हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के जो एटम्स है उनके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कुछ इस तरह से होती है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3p के बाद 3d नहीं आता है, 3p के बाद 3d नहीं आता है, 4s आता है। देख लो 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू होगी 4, और 3d के लिए होगी एस पी डी। 3d
3D के लिए वैल्यू होगी एन प्लस एल की 5। इसके लिए 3P के बाद एनर्जी लेवल है 4S, तो इलेक्ट्रॉन 4S में भरेगा, जिसे हम ऑक्टो प्रिंसिपल में ज्यादा गहराई से अगले सेशन में देखने वाले। तो फ्रेंड्स, इस एन प्लस एल रूल को और ज्यादा गहराई से देखने के लिए ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, 6s, 5p, 4d, 3d, 5d। 6s के लिए एन प्लस एल की वैल्यू देखो फ्रेंड्स आएगी 6, क्योंकि L है इसके लिए 0। 5P के लिए भी 6, 4D के लिए भी 6 ही आएगी, 3D के लिए 5 और 5D के लिए 7। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहने वाली है? इधर 5D की रहने वाली है। और सबसे कम एनर्जी किसकी रहने वाली है फ्रेंड्स? सबसे कम एनर्जी जो रहने वाली है ये 3D की रहने वाली है। और अभी देखो, इसके बाद में एनर्जी किसकी होगी? जिसका अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, अभी 4D, उसके बाद में 5P, उसके बाद में आएगा 6S। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो एनर्जी वैल्यूज है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमथल क्वांटम नंबर, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। स्फेरिकल होता है, पी जो होता है डम्बेल शेप होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है क्लोव लीफ शेप होता है, जिसमें एक ऑर्बिटल डोनट शेप का भी होता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द जस्ट समरी ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डन टुडे। टू थ्री की थिंग्स वी हैव सीन टुडे। वन इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड व्हाट आर नोड्स एंड लोब्स। और नोड्स है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स, वन इज रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एन प्लस एल रूल वी हैव सीन द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम देखेंगे अफबो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए ज्यादा जरूरी है। हमने अभी तो देख लिया कि ऑर्बिटल्स की शेप कैसे है, तो फ्रेंड्स अभी इन ऑर्बिटल्स में हमें रखना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो किस तरह से हम इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इन तीन रूल्स से। और हम वी विल बी इन अ पोजीशन एंड वी विल बी केपेबल ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो एटम के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। वो मेटल है, नॉन मेटल है, एसिडिक है, क्या है, इन सब के ऊपर अगर किसका इन्फ्लुएंस होता है तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का होता है। तो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।